हेलो क्लास एट्थ बेटा, चैप्टर नंबर 6 कंजर्वेशन। टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट 1 की इस वीडियो में स्टार्टिंग के 2 पेज की हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं आज। और आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को आप 3-4 टाइम जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक पैराग्राफ की लाइन बाय लाइन मीनिंग समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द टर्म कंजर्वेशन कम्स फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। जो ये कंजर्वेशन वर्ड है, ये 2 लैटिन वर्ड से होकर आया है, बनता है। फर्स्ट है सर्वेयर, जिसका मतलब होता है टू कीप या टू गार्ड, एंड कॉन विच मीन्स टुगेदर, और कॉन का मतलब क्या होता है, टुगेदर। पीपल हैव प्रैक्टिस्ड सम काइंड्स ऑफ कंजर्वेशन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बहुत हजारों सालों से, यानी बहुत सालों से, हजारों सौ सालों से, है ना, बहुत सालों से जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरह की कंजर्वेशन करते आए हैं, किसी ना किसी चीज़ की, ठीक है। कंजर्वेशनिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट, जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उनको हम एनवायरमेंटलिस्ट भी बोलते हैं। द अर्थ हैज़ ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, जो अर्थ है इस पर कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं जिनकी रिसोर्स क्या है, लिमिटेड हैं, लिमिटेड सप्लाई है उनकी। ओवर यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइजेस, जैसे जैसे हमारी स्टैंडर्ड लिविंग राइजेस, हमारे रहने की तरीके, तौर तरीके जो हैं स्टैंडर्ड हुए हैं, बदले हैं, बढ़े हैं, और पॉपुलेशन ग्रो हुई है, उससे क्या हुआ है, इन नेचुरल रिसोर्सेज का जो लिमिटेड थे, इनका ओवर यूज़ शुरू हो गया, है ना, जितना यूज़ होना चाहिए उससे अधिक यूज़ होने लगा है। कंजर्वेशनिस्ट वर्क टू इंश्योर दैट द एनवायरनमेंट कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन नीड्स, जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो वर्क करते हैं इस बात के लिए कि जो एनवायरनमेंट से हमें जो चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना, क्या वो कंटिन्यू मिलती रहें, है ना, रिसोर्सेज टू ह्यूमन नीड्स, और वो हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते रहें, ठीक है। इट डज़ नॉट मीन दैट वी हैव टू स्टॉप द यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज कम्प्लीटली, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को कम्प्लीटली बंद कर दें, यूज़ करना बंद कर दें। वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद एन एम टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दैम इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन, तो बुद्धिमानी से उन नेचुरल रिसोर्स का हमें यूज़ करना और उनको बचाना, ठीक है, जिससे क्या होगा, क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। विदाउट कंजर्वेशन, बिना कंजर्वेशन के मोस्ट ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज वुड बी वेस्टेड, बिना कंजर्वेशन के कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं अर्थ पर, वो क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे, डिग्रेडेड हो जाएंगे और डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। एम्स ऑफ कंजर्वेशन पढ़ते हैं, क्या क्या एम्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं कंजर्वेशन के पीछे। टू कंजर्व एंड टू मेंटेन द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन एंड डैमेज टू फूड चेन। देखिए क्या है कि अर्थ पर आप जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हैं, और उनके हैबिटेट होते हैं, उनका क्या होता है, वातावरण होता है जिसमें वो क्या करते हैं, अपना रहन सहन करते हैं, खान पीन करते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो उसको क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, मेंटेन रखना होता है, ठीक है। तो उसको बचाए रखने के लिए, मेंटेनेंस को करने के लिए कंजर्वेशन ज़रूरी है। टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ ऑन रिसोर्सेज एंड रीपेड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। देखिए एनवायरनमेंट को हम कंजर्व करें, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करें, है ना, क्या करें, उनको कंजर्व करना ज़रूरी है, जिससे कि उनका रैपिड डिप्लीटेशन ना हो। अगर वो अधिकता से यूज़ होते रहेंगे तो इतने जल्दी वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा से हमें नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन इसलिए भी ज़रूरी है। द एनवायरमेंटलिस्ट हैव बीइंग अवेयर टू इम्पॉर्टेंस द फॉरेस्ट आर कॉन्स्टेंटली कंजर्विंग द फॉरेस्ट, जो एनवायरमेंट होते हैं, पर्यावरण
विद होते हैं यानी पर्यावरण को बचाने वाले जो लोग होते हैं वो अवेयर करते हैं किस चीज़ के लिए, इम्पोर्टेंस फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस के लिए, जिससे कि हमारे फॉरेस्ट क्या हो कॉन्स्टेंटली कंजर्व होते रहें। दिस विल कंजर्व ऑल द प्लांट, उसमें क्या क्या चीज़ें, प्लांट्स कंजर्व होंगे, एनिमल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स सबको कंजर्व करते हैं। फॉरेस्ट बींग रिन्यूएबल सोर्स विल कंटिन्यू सप्लाई ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स इफ यूज प्रॉपरली, अगर हम प्रॉपरली उचित तरीके से यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज का तो हमें क्या मिलेगा, फॉरेस्ट हमारे रिन्यूएबल, है ना, रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें उचित तरीके से यूज़ करें तो हमें एनिमल्स वहाँ से मिलते हैं, हाँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लाई होती है मटेरियल्स की, जैसे वुड है ना, कुछ मेडिसिंस हैं आयुर्वेदिक, तो इस टाइप से क्या होता है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन ज़रूरी है। चलिए बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ दैट इज प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम अंडर द हेडिंग बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, देखिए अलग अलग विभिन्न तरह के प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दिस वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंक्लूड फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस तरह की वेराइटी होती हैं जिनमें फ्लोरा है, फौना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन इंडिया अबाउट 1/5 ऑफ द एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर विद इमेंस वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो भारत में लगभग 1/5 जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है, जिसमें हमारी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ यानी जो जानवर हैं, है ना, वो प्रजातियां किसी भी तरह के जानवर हों वो सब वाइल्ड लाइफ जितनी भी है हमारी वहाँ पर पाई जाती है फॉरेस्ट में, ठीक है। द हैबिटेट्स दे लिव इन वेरी फ्रॉम हाई माउंटेंस टू डीप ओशंस एंड डेजर्ट। तो अलग अलग तरह का हैबिटेट है, जैसे ये सब वेरी करता है, जैसे कुछ माउंटेन हाई माउंटेन हैं, है ना, डीप ओशंस हैं, डेजर्ट्स हैं। दीज डिफरेंट इकोसिस्टम्स आर पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम। ये जो डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं ये ग्लोबल इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन फॉरेस्ट। जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है वो फॉरेस्ट में ही पाई जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लाइज इन द फैक्ट। जो सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी की वो ये बताती है कि क्या फैक्ट बताती है, दैट प्लांट एंड एनिमल आर सोर्सेज ऑफ फूड, मेडिसिन, टिम्बर, मिल्क, हनी, सिल्क एंड ए लार्ज नंबर ऑफ अदर यूजफुल प्रोडक्ट। तो हमें उससे क्या पता लगता है, इस बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस क्या बताती है कि हमें जो बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं फूड के, मेडिसिन मिलती है, टिम्बर, मिल्क, हनी, सिल्क, है ना, और लार्ज नंबर ऑफ अदर यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं हमें फॉरेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए, फॉरेस्ट इज ए कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम, इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड कंजर्व एयर वाटर एंड लैंड। जो फॉरेस्ट है वो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम होता है और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी वजह से ही एयर वाटर और लैंड हमारे कंजर्व होते हैं। फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज दे, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फॉरेस्ट किस किसी तरह से इम्पोर्टेंट होते हैं, देखिए चेक सॉइल इरोजन, ये हमारे सॉइल इरोजन को रोकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कहीं पर ज़्यादा बारिश हो गई तो वो क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है तो मिट्टी का कटाव होता है, तो सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं फॉरेस्ट। तो वहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़, प्लांट्स, ये सब होते हैं, तो वहाँ की सॉइल को वो अपनी रूट्स के द्वारा जगड़े जाते हैं, सॉइल इरोजन कम होता है। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग पेपर। रॉ मटेरियल जो पेपर आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, अपनी कॉपीज़ में देखते हैं, तो वो पेपर सब कहाँ से बनता है, रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट से ही प्राप्त होता है, जो वुड के द्वारा मिलता है।
कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको कंट्रोल करता है, प्रिवेंट फ्लूड्स, बाढ़ से बचाता है, हेल्प इन मेंटेनिंग द CO2 एंड O2 बैलेंस इन द एयर, और जो वातावरण में हमारे एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसके मेंटेनेंस करता है, उसको मेंटेन करता है बैलेंस को, प्रोवाइड वुड फॉर मेकिंग हाउसेज एंड मेक फर्नीचर, तो फर्नीचर और हाउस बनाने के लिए वुड हमें मिलती है, लकड़ी मिलती है, प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन, हमें फूड और मेडिसिन मिलते हैं, प्रोवाइड होम एंड फूड टू वाइल्ड लाइफ, तो ये जो वाइल्ड लाइफ है यानी जंगल में रहने वाली जितनी भी पशु हैं हमारे एनिमल्स होते हैं उनको रहने के लिए घर और खाना भी वो देता है, ठीक है। चलिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैन बी अचीव्ड व्हेन द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर कंजर्व्ड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन आर प्रिवेंशन ऑफ, देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या करता है, अचीव किया जा सकता है व्हेन द हैबिटेट्स, जो हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल्स का उसको कंजर्व करें, द मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन आर प्रिवेंशन ऑफ, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है उसके कुछ प्रिवेंशन किस तरह से हैं, कटिंग ट्रीज किस तरह से बचा सकते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो कटिंग ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस रिजल्ट इन लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, रीप्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन, देखिए क्या होता है जब हम ट्रीज काट लेते हैं एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, ठीक है, तो बहुत सारा लॉस होता है, तो प्लांट्स और एनिमल के लिए हैबिटेट भी कम हो जाते हैं, रीप्लांटिंग ऑफ ट्रीज तो हम दोबारा से पेड़ पौधे लगाएं कहाँ पर, जंगलों में, तो वो एक क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कंजर्वेशन का, इन ऑर्डर टू कंजर्व फॉरेस्ट द प्रिवेंशन ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज इज इसेंशियल, तो ये ज़रूरी है कि हम पेड़ों का काटना कम कर दें। उसके बाद क्या है, एक्सेसिव ग्रेजिंग, ठीक है, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हैज़ लेड टू ओवर ग्रेजिंग, देखिए जो पॉपुलेशन डोमेस्टिक एनिमल्स की जो इंक्रीजिंग हो रही है पॉपुलेशन, क्या हो रही है, विच मस्ट बी कंट्रोल्ड टू सेव फॉरेस्ट, तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए फॉरेस्ट को सेव करने के लिए। थर्ड है पॉइजनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का पॉइजनिंग जो हो रहा है, अवॉइडिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम सिटीज एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड इंडस्ट्रीज इनटू फॉरेस्ट, तो जो हम वेस्ट मटेरियल आता है सिटीज से, शहरों से, एग्रीकल्चर फील्ड से, इंडस्ट्री से, उसको जंगल में नहीं डालना चाहिए, उससे क्या होता है, पॉइजनिंग होती है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस बाय लार्ज स्केल मैन मेड अल्ट्रेशन सच एज माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, इट शुड बी मिनिमाइज, तो आप जानते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है किस वजह से, कि लार्ज स्केल पर हम बहुत कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो ये सब कम होना चाहिए। ए फॉरेस्ट फायर हैव डिस्ट्रॉयड मैनी फॉरेस्ट, जो जंगल में लगने वाली आग होती है वो भी फॉरेस्ट को क्या करती है, नष्ट करती है। केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर विच आर वेरी डिस्ट्रक्टिव बाई मेकिंग फायर लाइन्स इन फॉरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स एंड गैप्स, तो रेगुलर इंटरवल पर फॉरेस्ट में क्या करना चाहिए, फायर लाइन्स बनानी चाहिए, है ना, तो फायर लाइन्स से क्या होगा, वहाँ पर केयर हो जाएगी, वहाँ पर हमें प्रिवेंशन हो जाएगा फॉरेस्ट फायर से, ठीक है। कैंप फायर्स शुड नॉट बी लेफ्ट सब मॉल्डरिंग, तो जो कैंप फायर्स होते हैं उनको सब मॉल्डरिंग नहीं छोड़ना चाहिए। तो बेटा यहाँ तक हमने आज रीडिंग कर लिया है, इससे आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो यहाँ तक की रीडिंग को आप 3-4 times ज़रूर रीडिंग कर लीजिएगा अच्छी तरह से, जिससे हर एक पैराग्राफ की लाइन बाय लाइन आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे चैप्टर को आपको कंप्लीट रीडिंग पढ़ना होता है, जिससे आपको एक चीज़ का और बेनिफिट होता है कि आप जब पूरी कंप्लीट रीडिंग को पढ़ कर लेते हैं और मीनिंग समझ लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू कि वीडियो को 3-4 times ज़रूर देखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।